और अब आपको हम दिल्ली की राजनीतिक हलचल पर खबर दिखा दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी से हमारी साथी प्रीति चौधरी ने विभिन्न मुद्दों पर बात की है। आतिशी बता रही है कैलाश गहलोत क्यों गए, क्यों कांग्रेस से और बीजेपी से नेता उनकी पार्टी में शामिल हुए और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। प्रीति चौधरी ने आतिशी से एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इंडिया टुडे। मैं हूं प्रीति चौधरी। हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। बहुत स्वागत है आतिशी जी आपका, आपने हमसे बात की। पर हम उस वक्त बात कर रहे हैं आतिशी, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब दिल्ली के निवासी बाहर भी नहीं घर के अंदर भी मास्क पहन के बैठना पड़ रहा है उन्हें। प्रदूषण, जो एयर प्रदूषण है, उसका स्तर AQI इंडेक्स ऐसा हो गया है कि आज आपने, मैंने और अगर एक 2 साल का बच्चा है दिल्ली में, उसने 27 से 28 सिगरेट आज पी रखी है। इसमें 10 साल से हम दिल्ली सरकार से हर साल एक ही चीज सुनते हैं कि अगले साल ऐसा नहीं होगा, क्या हो गया? देखिए प्रीति जी, मैं तो खुद बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है मैं कल रात को शायद सोई भी नहीं होंगी, क्योंकि लगातार मुझे दिल्ली के लोगों के अलग अलग हिस्से से लोगों के कॉल आ रहे थे। क्यों? किसी के घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल जाना था। किसी के घर में कोई बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि 24 आवर केमिस्ट कहाँ पे है, बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की, इनहेलर की जरूरत है। आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि दिल्ली में कोई सांस नहीं ले पा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आज हॉस्पिटल के बेड्स भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों को लंग इन्फेक्शन हो रही है, बीमारी हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन मैं आज पूछना चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि जो पूरे देश में ये पराली जल रही है, वो उसके बारे में क्यों नहीं कुछ करते? पहले कहा जाता था कि जी पंजाब से धुआं आ रहा है, पंजाब से धुआं आ रहा है, पंजाब से धुएं की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। पंजाब एकमात्र राज्य है पूरे देश में जिसने पराली जलने को, फार्म फायर्स को 85% से ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। 2021 में हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे बनने से पहले 70,000 से ज्यादा इंस्टेंसेस फार्म फायर्स की स्टबल बर्निंग की होती थी, वो मात्र 8,000 रह गई हैं इंस्टेंसेस, 85% कम हुई है। लेकिन आप भाजपा शासित राज्यों को देखिए, राजस्थान में पराली जलना बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। और अगर आप केंद्र सरकार के ही आंकड़े निकाल के देखिए, अगर आज देश में कहीं सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है तो वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। 9600 केसेस ऑफ फार्म फायर्स, यानी रोज 700 जगह मध्य प्रदेश में पराली जलाई जा रही है। अब आप मुझे बताइए, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी एक नेशनल इमरजेंसी है। जैसे कोविड के दौर में हम एक नेशनल मेडिकल इमरजेंसी फेस कर रहे थे, आज पूरा नॉर्थ इंडिया एक नेशनल मेडिकल इमरजेंसी फेस कर रहा है। मुझे केंद्र सरकार ये बता दे, एक कदम बता दे, एक कदम जो उन्होंने पिछले 5 साल में उठाया है पूरे नॉर्थ इंडिया में स्टबल बर्निंग, फार्म फायर्स, पराली को जलने के लिए कम करने के लिए, एक कदम बता दे। आतिशी जी, आपने बात की कि पंजाब में जो पराली का बर्निंग है बहुत कम हो गई है, जो फार्म फायर्स है वहां पे बहुत कम हो गई है। लेटेस्ट जो स्टडी आज भी आई है, जो कोरियन सैटेलाइट्स के जरिए से आई है, साफ है कि पंजाब में जब नासा की सैटेलाइट पंजाब के ऊपर से जाती है, उस वक्त पंजाब की फार्म फायर्स नहीं होती, और वो बाद में जो दोपहर और शाम को चलाते हैं। और ये डेटा ये डेटा बहुत और कंट्रीज की सैटेलाइट्स ने कैप्चर किया है, तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में फार्म फायर्स नहीं हो रही। मैंने नहीं कहा नहीं हो रही है, पर मैंने कहा फार्म फायर्स पंजाब में जितनी होती थी उनमें 80-85% का रिडक्शन है। वेराज अगर आप बाकी स्टेट्स में देखिए, आप हरियाणा में भी कुछ कम हुआ है, 10-15% कम हुआ है, कंसीड दैट। उत्तर प्रदेश में फार्म फायर्स बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में आज देश की सबसे ज्यादा फार्म फायर्स हैं। अब आप मुझे बताइए, भोपाल का AQI बढ़ा हुआ है, इंदौर का AQI बढ़ा हुआ है, बीकानेर का AQI बढ़ा हुआ है, जयपुर का AQI बढ़ा हुआ है, पटना का AQI बढ़ा हुआ है, बुलंदशहर का AQI बढ़ा हुआ है, क्या वो सबके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? हमें इस बात को रिकग्नाइज करना पड़ेगा दैट दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। सही बात। एंड सिंस दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी, जस्ट जब कोविड का पैंडेमिक आया था तो तब भी ना सिर्फ सब स्टेट साथ आए थे, केंद्र सरकार ने आगे आके लगातार कई कदम उठाए थे।
अगर लॉकडाउन अनाउंस करना था क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया? इसलिए अनाउंस किया बिकॉज इट वॉज अ नेशनल मेडिकल इमरजेंसी। टूडे जो फार्म फायर्स हैं, जो पराली जलना है, वो एक नेशनल मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट कर रहा है। आप मुझे बता दीजिए, आज मैं आपके शो पे बैठी हुई हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे आपके सवालों का जवाब दे रही हूं, मैं आपको चैलेंज करती हूं, आप योगी आदित्यनाथ को बुला के दिखा दीजिए अपने चैनल पर और पूछिए उनसे पॉल्यूशन पर सवाल। मैं आपको चैलेंज करती हूं, आप प्रधानमंत्री को बुला के दिखा दीजिए शो पे कि वो पॉल्यूशन पे एक भी सवाल अगर आंसर कर दे, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों उनके राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पराली की घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिखाया है कि अगर आपकी इंटेंट है तो आपको पराली जलाने की घटनाओं में रिडक्शन क्लियरली दिख सकता है। पर वही मैंने आपको काउंटर किया आतिशी जी, क्योंकि जो नासा की सैटेलाइट के बाद जो और कंट्रीज की सैटेलाइट डेटा पकड़ रही हैं, वो प्रूव करता है कि पंजाब में पराली उतनी ही जल रही है, बस वो लेटर जलाते हैं, थोड़ी पराली बाद में जलाते हैं जब सैटेलाइट पार कर जाती है। तो ये तो हर जगह अप्लाई करेगा ना, फिर ये तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में 9,500 दिख रहे हैं, हो सकता है वहां पे भी 27,000 हो, ये तो फिर उत्तर प्रदेश में भी अप्लाई करेगा कि वहां पे 1,500 दिख रहे हो, वहां पे 5,000 इंस्टेंसेस हो, ये हरियाणा पर भी अप्लाई करेगा कि जहां पे 2,500 दिख रहे हैं वो 7,500 हो। लेकिन आज जो केंद्र सरकार का डेटा पब्लिक डोमेन में है, हमारा डेटा नहीं है जी, ये दिल्ली सरकार का डेटा नहीं है, केंद्र सरकार के एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट का डेटा ये दिखा रहा है कि पंजाब में पराली जलाने में कमी आई है, किसी और राज्य में नहीं आई है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, इन सब राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। दूसरा मेरा कहना है, आप मान लीजिए कि पंजाब में घटनाएं कम नहीं हुई, मान लीजिए वैसे हुई हैं और काफी कम हुई हैं, लेकिन आप मान भी लीजिए कि नहीं कम हुई, तो क्या कर रही है केंद्र सरकार? उनको चिंता नहीं है क्या पंजाब में रहने वाले लोगों की, हरियाणा में रहने वाले लोगों की, दिल्ली में रहने वाले लोगों की, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों की, यहां तक कि पटना में रहने वाले लोगों की? क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आज तक उन्होंने कोई इमरजेंसी मीटिंग बुलाई क्या? उन्होंने कोई इमरजेंसी कदम उठाए क्या? 5 साल में उन्होंने किसी भी राज्य में, इनफैक्ट हम तो पंजाब के लिए भी कह कह के थक गए कि पंजाब के किसानों को कुछ पैसा पंजाब सरकार देगी, कुछ पैसा दिल्ली सरकार दे देगी, आप कुछ तो दे दो। पर इस... लेकिन केंद्र सरकार ने इतने सालों में कोई एक भी कदम नहीं उठाया। तो फिर जब वोट करने की बात आएगी आतिशी जी, क्योंकि 3 महीने में यहां पर चुनाव है दिल्ली में, तो इसमें भी हमको देखना चाहिए जो दिल्ली निवासी हैं कि देखिए सेंटर ने कैसा परफॉर्म किया, यूपी ने कैसा परफॉर्म किया, हरियाणा ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि बात यह है ब्लेम गेम हो जाता है, जो दिल्ली की सरकार है वो यूपी पे डाल देती है, हरियाणा पे डाल देती है, सेंटर पे डाल देती है, तो हमको वोट भी उन्हीं को देखकर करना चाहिए। देखिए क्या है, हम तो सिर्फ आंकड़ों के अनुसार जा सकते हैं, राइट? हम तो आंकड़े देख सकते हैं। दिल्ली में पराली नहीं जलती है, पराली देश के अलग अलग हिस्सों में जलती है, अलग अलग राज्यों में जलती है। आंकड़े क्या दिखा रहे हैं कि जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे पराली जलना कम हुई है। आंकड़े क्या दिखा रहे हैं कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे पराली जलना बढ़ गया है। आप कह रही हैं चलिए मत मानिए पंजाब के आंकड़े, उतने ही अगर पराली जल रही है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ तो करेगी।